नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते कुछ खबरों की ओर। साथियों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो, इससे अंदाजा तो लग ही गया होगा कि यह किसी कार्यक्रम का वीडियो है। और अब ये कार्यक्रम कौन सा है यह भी मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से बताता हूं। आप वीडियो पूरा देखना, और ऐसा आपके क्षेत्र में भी हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। चित्तौड़गढ़ के विधायक है, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक जिला है। जो विधायक है उनका नाम है चंद्रभान सिंह आत्या। उन्होंने अपने जन्म दिवस पर, अपने बर्थडे पर 40 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी है। और आप देख सकते हैं किस तरह दिव्यांगजन खुश है। ट्राईसाइकिल के साथ उन्होंने दिव्यांगों को हेलमेट भी दिया है। हेलमेट क्यों दिया है ये तो आप सभी जानते हैं। साथियों, मैं आपको ये खबर दिखाने के पीछे मेरा औचित्य क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इस खबर को दिखाने के पीछे मेरा औचित्य यह है कि सरकार अगर चाहे, जनप्रतिनिधि अगर चाहे, तो ऐसा संभव हो सकता है कि वो अपने जन्म दिवस पर दिव्यांगों के लिए किसी ना किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जिन दिव्यांगों को ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली है वो दिव्यांग काफी खुश थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। खुशी क्यों नहीं होगी, जब आप किसी दिव्यांग को किसी तरह की मदद करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें आप अपनी संस्था के माध्यम से एक लेटर लिख सकते हैं, और जिस किसी को भी ऐसे जरूरत होती है निश्चित रूप से उनकी वहां पर मदद भी की जाती है। इस कार्यक्रम में सहकारिता उड्डयन मंत्री प्रमोद धक भी रहे, और प्रमोद धक ने बताया कि दिव्यांगों का इस तरह से किसी कार्यक्रम में 40 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देना, और जो एमएलए है चंद्रभान सिंह आक्या, उन्होंने ये कहा है कि वो अब कुछ ही समय में अपने क्षेत्र के 60 दिव्यांगजनों को और इस तरह से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा निवेदन ये है इन जनप्रतिनिधियों से कि ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की लाइफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि सड़कें बड़ी बदहाल होती है तो डिसेबल्ड को बहुत दिक्कत होती है। तो आप इनकी जगह अगर स्कूटी दे देते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। हम प्रयास करेंगे हमारी बात। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।